Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to talk about the GM mustard specifically and genetically modified crops. What are the advantages of GM crops and what are the challenges with respect to the introduction of these crops to our country? What will be the consequences on the ecosystems which will be coming in our path when we introduce these crops? So there has been a case, the Coalition for GM Free India platform that is fighting cases in the Supreme Court against the trials of genetically modified mustard, GM mustard ka modification, mustard ka modification kiya gaya, GM mustard aaya, aur usme kya kya regulatory lapses hain, aur Delhi University ne kis kis tarike ke regulatory lapses kiye hain, unke bare mein ye news article tha. GM mustard, what is meant by GM? GM means a genetically modified crop. Genetically modified crop mein kya hota hai? It is like artificial modification of some crop. राइट अगर हमें किसी क्रॉप में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मान लीजिए कि देयर इज अ क्रॉप ऑफ कॉटन, कॉटन में बॉलवॉर्म है, वो लग जाता है, उसकी वजह से क्रॉप में डैमेज होता है, तो बॉलवॉर्म को मारने के लिए हमने कॉटन में एक टॉक्सिन को इंजेक्ट कर दिया, विच इज अ बैक्टीरिया. राइट, उस बैक्टीरिया के सेल को इंजेक्ट कर दिया उस सीड में, तो वो क्या बन जाएगा? बीटी कॉटन. तो दिस इज ऑल्सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन. राइट, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दे सर्वाइव फॉर लॉन्ग, क्रॉप यील्ड बढ़ जाती है, उसमें हर्बिसाइड्स का यूज नहीं होता है और सस्टेनेबल है नेचर में. प्लस जीएम क्रॉप्स आर गुड फॉर द सॉइल फर्टिलिटी एज वेल. तो ये कुछ फायदे हैं जीएम क्रॉप्स के, उसमें से एक है जीएम मस्टर्ड. हियर आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. हम आ रहे हैं एक नए कोर्स के साथ, विच इज जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच फॉर 2024. राइट, इसमें आपकी एनसीईआरटी क्लासेस, जीएस की क्लासेस होंगी, प्लस देयर विल बी अ मेंटोरशिप प्रोग्राम एज वेल. मेंटोरशिप प्रोग्राम में कुछ 10 स्टूडेंट्स के ऊपर देयर विल बी अ मेंटोर जो कि उनकी थ्रू आउट द प्रिपरेशन उनकी हेल्प करेगा, उनको सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो, पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो, या फिर कितने क्वेश्चन करने चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, डेली कितने पेजेस पढ़ने चाहिए, ये सारे छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वो हैंडल करेगा. और दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू ओनली इन 21,499 रुपीस प्लस जीएसटी एंड विच यू कैन पे इन 11 ईएमआईज. राइट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स. राइट, सो जीएम क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स which genes are artificially modified by inserting genetic material from another organism in order to give them increased yield, tolerance to a herbicide, resistance to disease or drought, or improved nutritional value. Nutritional value kaise badhi? Jab nutritional value badhai jayegi, like humne rice mein nutritional value badhai, usko golden rice kar diya, to jab nutritional value badhai jati hai, isko bolte hain fortification. जब हम जीन एडिटिंग या जेनेटिकली मॉडिफाई करके किसी क्रॉप की या किसी पर्टिकुलर क्रॉप की अगर हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन. उसमें अगर हम कोई टॉक्सिन ऐड करेंगे जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड या किसी इंसेक्ट को लेकर उसमें एक सर्वाइवल का टेंडेंसी आ जाए, तो दैट विल बिकम बीटी. राइट, टॉक्सिन अगर हम ऐड करते हैं तो दैट विल बिकम बीटी, बैक्टीरियम टॉक्सिन. राइट, तो बीटी कॉटन में एग्जैक्टली क्या किया जाता है, देयर इज अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियम थुरिंजिसिस. राइट, उस बैक्टीरिया को उसका सेल जो होता है हम इंजेक्ट कर देते हैं सीड में, और वो सीड में वो लगातार सेल जो होता है वो बना रहता है, और इट वर्क्स लाइक अ टॉक्सिन फॉर दिस बॉलवॉर्म. राइट, तो इसे कहते हैं हम बीटी कॉटन, दिस विल बिकम बीटी. अब बीटी कॉटन क्यों अलाउ कर दिया? दिस इज द ओनली क्रॉप विच इज अलाउड. राइट, दिस इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच इज अलाउड in India. तो अब ये allowed क्यों है? Because we don't consume cotton, we don't eat cotton, it is not edible. But mustard के form में अगर brinjal का देखा जाए, तो इन सबको disallow क्यों किया गया? इनको disapprove क्यों किया गया? Because we eat them, we eat mustard, हम consume करते हैं, इसको हम oil की तरीके use करते हैं. Right? उसके अलावा brinjal को हम उसको vegetable की तरह use करते हैं. तो उस bacteria का, उस toxin का human body पर क्या impact है? उस bacteria and जो भी टॉक्सिन है उसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसके अलावा उसका नेटिव स्पीशीज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके अलावा उस बैक्टीरिया का, मान लीजिए हमने उसको ऐड किया, तो दीज इंसेक्ट्स जिनके लिए वो ऐड किया जा रहा है,
की डेथ होगी तो धीरे धीरे इवॉल्व होते जाएंगे, अडेप्ट करते जाएंगे एंड देयर विल बी मोर डेंजरस इंसेक्ट्स. तो उसके क्या होगा, इसके बहुत खराब इंपैक्ट्स भी, इकोलॉजिकल इंबैलेंस जैसे इंपैक्ट्स भी पड़ सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं, राइट. जैसे किसी क्रॉप को मान लीजिए राइस की क्रॉप है, अब राइस की क्रॉप के लिए चाहिए बहुत ज्यादा इंटेंस वाटर सप्लाई. अब इंटेंस वाटर सप्लाई नहीं है, वाटर खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग. तो ऐसे में ड्रॉट प्रोन रीजन में, ड्राई जोन एग्रीकल्चर रीजन में कैसे राइस का कल्टीवेशन किया जाए, तो उसके लिए भी हम जीन एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें भी ये सक्सेसफुल है. What is a GM crop? Crop which has a gene artificially inserted into it from another species, even unrelated, to give it some desired properties. GM crops are mostly either persistent or herbicide, pest resistant or herbicide tolerant, right? कुछ इस तरीके से किया जाता है. बैक्टीरिया का डीएनए एक्सट्रैक्शन किया गया, उसको मिक्स कर दिया गया सीड में, राइट. सीड से बना टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट ब्रीडिंग कराई गई और उसमें अब मॉडिफाइड, जितने भी मॉडिफाइड इसमें सारे के सारे लक्षण होंगे, राइट. इंडिया अप्रूव्ड द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ओनली वन जीएम क्रॉप. कौन सी जीएम क्रॉप है ये, विच इज बीटी कॉटन. जीएसी ने रिकमेंड किया है जीएम मस्टर्ड. जीएसी ने ही रिकमेंड किया था एंड अप्रूव किया था बीटी ब्रिंजल भी, बट उसको भी डिसअप्रूव कर दिया गया था. जीएम मस्टर्ड को भी डिसअप्रूव कर दिया गया है बिकॉज ये सोचा जा रहा है कि इनका ह्यूमन रेस पर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ सकता है और इनका बहुत ज्यादा अगर कल्टीवेशन किया गया तो दे विल रिप्लेस द नेटिव मस्टर्ड स्पीशीज. सॉइल भी अडेप्ट कर लेगी उन्हीं सिचुएशन के हिसाब से, तो सॉइल में भी क्या होगा, नॉर्मल मस्टर्ड के लिए, नेटिव मस्टर्ड के लिए वो पोटेंशियल नहीं बचेगा, राइट. उसके अलावा बीटी कॉटन रिमेन्स द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया टिल डेट. This implies that cultivation of GM versions of other crops is banned in the country, right? This is an insect-resistant cotton variety. मैंने आपको बताया toxins are added और उस toxins के add को add करने की वजह से उसमें क्या होता है? ऐसे toxins की वजह से it becomes insect-resistant, right? Strains of bacterium Bacillus thuringiensis produce different BT toxins. BT toxins are insecticidal to the larvae of moths. In 2002, a joint venture between Monsanto and Mihaico introduced BT cotton to India. This is important. इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है. This is important for you. Because genetically modified crops के ऊपर इतना ज़्यादा discussion चल रहा है. Why are they important for us? Because we are not a food secure country. हमें बहुत बड़ी population को feed करना है. और हो सकता है आगे चलकर हमारे पास agreeable land भी जो हो वो भी कम होने लगे बिकॉज क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. तो हो सकता है कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ जाए कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पा रहे. उसमें ये जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं दे विल हेल्प अस, राइट. इसके अलावा इनका जो हीट टॉलरेंस, इनका ड्रॉट प्रोन रीजन्स में जो टॉलरेंस है, सर्वाइवल कैपेसिटी है, वो ज्यादा है. अगर कोई किसी इंसेक्ट की वजह से क्रॉप में डैमेज आ रहा है तो क्रॉप में डैमेज नहीं आएगा, राइट. अगर हम इन टॉक्सिन्स वगैरह का यूज करेंगे तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यील्ड बढ़ाने के लिए, ड्रॉट प्रोन रीजन में एग्रीकल्चर करने के लिए, तो एग्रेबल लैंड को, सरफेस लैंड सरफेस को बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाने के लिए, प्लस क्रॉप्स को डैमेज से बचाने के लिए, जो इंसेक्ट्स हैं उनके डैमेज से बचाने के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं, राइट. What is BT Brinjal? Mihaico, Dharwad University of Agriculture Sciences also developed BT Brinjal, but GEAC ने इसको recommend कर दिया, but last में initiative को बंद कर दिया, because हम नहीं जानते हैं कि Brinjal के खाने के बाद, उसको consume करने के बाद, eating के बाद क्या उसका impact आएगा, right? इसके अलावा GM Rice के नाम से भी एक development किया गया. GM Rice is also called the Golden Rice. It is enriched with vitamin A. अब enrichment किया गया इसका, तो this is called rice fortification also. ठीक है, पूसा बासमती 1979 and पूसा बासमती 1985. It is the first varieties of non-GM herbicide tolerant rice were launched, which can also be directly seeded, thus saving on water and labor cost. These are some of the benefits of GM crops. कि इसमें काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, इनमें लेबर इंटेंसिव भी नहीं है, ठीक है. इसके अलावा ड्रॉट प्रोन रीजन में जहां पर वाटर इंटेंसिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर भी इनको इनकी क्रॉपिंग की जा सकती है. द IARI इज ऑल्सो वर्किंग टू क्रिएट ड्रॉट टॉलरेंट, सेलिनिटी टॉलरेंट राइस स्ट्रेन्स. तो सेलिनिटी टॉलरेंट एंड ड्रॉट टॉलरेंट राइस
स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है जीएम मस्टर्ड। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड। इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड, राइट। इसी के तरफ देखें, अगर सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस दैट इनेबल ब्रीडिंग ऑफ हाई यील्डिंग कॉमर्शियल मस्टर्ड हाइब्रिड्स, राइट। इसके अलावा इसमें दो एलियन जीन्स का, बारनेज एंड बास्टर, दो एलियन जीन्स का यूज किया जाएगा। एंड द बैक्टीरिया इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे उसमें बेसिलस थुरिंजिसिस था, वैसे ही यहां पर बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2017 द GESC रिकमेंडेड द कॉमर्शियल अप्रूवल ऑफ द HT मस्टर्ड क्रॉप। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट स्टेड इट्स रिलीज एंड आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीक पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडिबल क्रॉप है, तो एडिबल क्रॉप्स के लिए पब्लिक का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, राइट। अक्रॉस द वर्ल्ड GM वेरिएंट्स ऑफ मेज, कैनोला एंड सोयाबीन, दीज थ्री आर, मेज, कैनोला एंड सोयाबीन, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। What are the advantages? What are the advantages of these GM crops? These GM crops, they improve the crop yield. The cost of production reduces. जैसा कि हमने देखा, rice में labor intensive नहीं रह जाएगा. Seeding इनकी directly कर सकते हैं. Pesticide की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि pesticide के तौर पर हम toxins को add कर देंगे. Nutrient composition, rice fortification में हमने vitamin A जो है उसका increase कर दिया. Plus, it addresses the food security problem, जो हमारा सबसे बड़ा problem है, food security issue, उसको address करता है। उसके अलावा देखें तो increase the yield of animals for milk and meat production, decrease the susceptibility to disease in animals, disease ही नहीं होंगे क्योंकि हम सीधे cell से उसको improve कर देंगे। उसके अलावा shelf life will increase and suitable climatic condition हो या suitable climatic condition नहीं हो, the trees will grow, क्योंकि उनकी सुटेबिलिटी बढ़ जाएगी। व्हाट आर द कंसर्न्स? कंसर्न्स आर कि हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, ऑन द हेल्थ जो कि कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर की। उसके अलावा इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट कर सकते हैं नेटिव स्पीशीज के ऊपर, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नो वन नोज, ठीक है। ये एलियन स्पीशीज की तरह भी काम कर सकते हैं। प्लस इसके साथ अगर देखा जाए तो इंसेक्ट्स जो है वो इवॉल्व हो सकते हैं, राइट। तो दे विल बी नॉट ऑफ एनी यूज, अगर इंसेक्ट्स इवॉल्व हो गए दे विल बी नॉट ऑफ एनी यूज। उसके अलावा देयर कैन बी अ परमानेंट लॉस, जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने बोला कि इंसेक्ट्स जो है वो म्यूटेट हो गए, उनमें इवोल्यूशन हो गया। उसके अलावा सॉइल हेल्थ को भी ये किस तरह से खराब करेंगे कोई नहीं जानता इसके बारे में, राइट। सस्टेनेबिलिटी, द इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंट पेट्स एंड पेस्ट्स एंड वीड्स टर्म्ड सुपर बग्स एंड सुपर वीड्स इज अनदर प्रॉब्लम। देन कम्स द जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि इंडिया में तो ये अभी फिलहाल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी बहुत रिच है, बट बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज का अगर हम देखें तो दे आर नॉट बायोटेक्नोलॉजिकली सो रिच, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉर दीज क्रॉप्स, राइट। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, जियो पॉलिटिक्स विल बिकम मोर पावरफुल देन। उसके अलावा देर आर एथिकल कंसर्न्स, एथिकल कंसर्न्स में दे कैन कॉज पोटेंशियल हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ, potential damage to the environment, negative impact on traditional farming practices, जो इनको afford कर पाएगा उन्हीं के पास रहेंगे। उसके अलावा excessive corporate dominance, unnaturalness of the technology। Acts कौन कौन से हैं? Environment Protection Act, इसको करता है agency, जरूर याद रखिएगा। Genetic Engineering Appraisal Committee, इंडिया की सबसे बड़ी agency है, it's an apex body, nodal body, जो कि इसको करेगी, राइट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, जीएम पॉलिसी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, उसके अलावा इसमें FSSAI, उसके अलावा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल, राइट। ये सारे के सारे लेजिस्लेशन हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द गुडनेस, अबाउट द एडवांटेजेस दैट आर कमिंग विद GM crops, उसके अलावा measured tested introduction of GM crops is important, क्योंकि हम एक ऐसे phase में हैं जहां पर हमें food security का खतरा है, जहां पर हमें
ड्रॉट का खतरा है, ड्रॉट की वजह से अगर ड्रॉट प्रोन रीजन्स में हमें एग्रीकल्चर चाहिए, हमें अगर कल्टीवेशन चाहिए, तो वहां पर हमें जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। वी आर इन अ फेज जहां पर हम मस्टर्ड में, हम ऑयल सेक्टर में, हमें एडिबल ऑयल के लिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमारा मस्टर्ड का यील्ड बढ़ जाए तो हमें कहीं ना कहीं उस इंपोर्ट में फायदा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, राइट। उसके अलावा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन सारी क्रॉप्स का क्या इंपैक्ट होगा ऑन ह्यूमन हेल्थ, ऑन द हेल्थ ऑफ अदर एनिमल्स, राइट। इसके अलावा कंक्लूजन इज, अगर हम ये नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस ही नहीं करने देंगे कभी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इनका इंपैक्ट क्या होगा, और इंपैक्ट का असेसमेंट भी हम नहीं कर पाएंगे। वी विल ऑलवेज रिमेन रेजिस्टेंट टू दीज टेक्नोलॉजीज। अब ये टेक्नोलॉजी जो है, इनकी वजह से फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर कर सकते हैं, हम ड्रॉट प्रोन रीजन में, हमारा जो स्टराइल रीजन है उसमें भी खेती कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं लैंड सर्फेस, लैंड यूज जो सर्फेस एरिया है उसको बढ़ाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज द डिस्कशन फॉर टूडे फॉर जीएम क्रॉप्स। थैंक यू सो मच।